वेलकम एवरीवन। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई नंबर दे रखा है तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करें तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में दो कंडीशन होती है, एक टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सर टर्मिनेटिंग वर्ड क्या है? तो देखो बच्चों टर्मिनेटिंग के वर्ड क्या है, यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2.303, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2.303। अब ये नंबर क्या है? टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट मीन्स स्टॉप कर गया। क्या कर गया? स्टॉप कर गया। यहाँ पे 3 के बाद में ये नंबर जा ही नहीं रहा, पॉइंट के बाद में 303 आ गया, इसके बाद में ये नंबर कंटिन्यू नहीं कर रहा। इट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, इसके बाद में जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये आ गया किसकी कैटेगरी में? फर्स्ट कैटेगरी में, टर्मिनेटिंग नंबर। तो बच्चों जब भी इस टाइप का नंबर अगर आपको दिखाई देता है तो दैट नंबर विल बी अ रेशनल नंबर। तो बिना कंफ्यूजन के मान लो 4.8, ये नंबर भी क्या कर गया? टर्मिनेट कर गया, क्योंकि ये नंबर आगे जा ही नहीं रहा है। बच्चों कभी कभी एग्जाम में ऐसे आ जाता है 5.87528, ये नंबर भी टर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में क्या ये नंबर आगे जा रहा है? नहीं जा रहा, इसलिए दिस नंबर विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर। तो फर्स्ट वाला तो इजीली समझ में आ गया, सेकंड वाला देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि नंबर टर्मिनेट कर रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग है, है ना? टर्मिनेटिंग का तो पता पड़ गया, पर नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता पड़ेगा? तो देखो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग में आपको 3 डॉट दिखाई पड़ेंगे, 3 डॉट। वो कैसे? देखो अगर मैं 2.303 ये अभी टर्मिनेटिंग नंबर था, अगर मैं इसमें डॉट डॉट और डॉट लगा देता हूं, ठीक है, क्या लगा देता हूं? डॉट डॉट डॉट, इट मींस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, और मान लो 4.888 यहां पे लगा दिया डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये चलता ही जा रहा है, ये कहीं पे भी रुक नहीं रहा, तो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बिकॉज इट इज गोइंग कंटिन्यूसली, है ना? ये डॉट डॉट डॉट, इसका मीनिंग क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो बच्चों दो कैटेगरी हो गई है, एक तो इस वाली कैटेगरी में भी जा सकता है या इस वाली कैटेगरी में, क्योंकि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो कौन डिसाइड करेगा कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा? वो इस पे डिपेंड करेगा कि कोई चीज उसमें रिपीट कर रही है या नहीं कर रही, या नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन रिपीटिंग हुआ तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर, अगर रिपीटिंग हुआ तो वो क्या बन जाएगा? आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। तो देखो कैसे, इस वाले एग्जाम्पल में क्या रिपीट कर रहा है? देखो बच्चों बार बार में 8 आ रहा है, 8 8 8, क्या कोई चेंज हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, 8 8 8 रिपीट कर रहा है, तो इट मींस इट इज अ रेशनल नंबर। जैसे मान लो बच्चों आपके पास में एग्जाम्पल 2.010101 डॉट डॉट डॉट, बच्चों यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है? 01, यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है? 01 01 01, ये रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? आपका रेशनल नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, वो तो पता पड़ेगा इस डॉट से, 3 डॉट आगे पर, लेकिन रिपीट भी कर रहा है, क्या कर रहा है? रिपीट क्या कर रहा है? 01 01 01 रिपीट कर रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? आपका रेशनल नंबर। और एग्जाम्पल मान लो बच्चों 4.02 8 2 8 2 8 2 8 2 और डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा है? 8 2 8 2, यहाँ पे 8 2, यहाँ पे 8 2, यहाँ पे 8 2, यहाँ पे 8 2, तो ये रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए दिस नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये कौन सा केस आ गया आपका? रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो दिस इज अ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वाले कौन से केस होंगे? तो देखते हैं एक करके। देखो इरेशनल नंबर में कौन सा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। बच्चों एग्जांपल मानो मैंने लिया 2.48, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया तो रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर मान लो मैंने लिखा होता 4004004000, एक और जीरो लगा दिया, 4 जीरो लगा दिए और उसके बाद डॉट 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 कर दिया, बच्चों ये डॉट 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 3 बार आ गया, इट मींस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, है ना? तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो केस होते हैं, या तो वो रेशनल नंबर बन जाए या इरेशनल। कौन डिसाइड करेगा कि उसमें कुछ चीज रिपीट कर रही है या नहीं कर रही? तो बच्चों कोई चीज रिपीट कर रही है इसमें? आपको लग रहा होगा कि सर इसमें 40 40 40 रिपीट कर रहा है ना, या 4 4 4 रिपीट कर रहा है, या 0 0 0 रिपीट कर रहा है, पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। ध्यान से देखना इसमें यहाँ पे कितना है, 1 जीरो है, यहाँ पे कितने जीरो आगे, 2 जीरो, यहाँ पे कितने जीरो आगे, 3 जीरो आगे, तो
एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, तो इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रही है। अगर मान लो इसमें आपने लिया 40 रिपीट करा, तो 40 रिपीट किया, 40 रिपीट किया और 40 यहाँ पे आया, पर 40 और इस 40 के बीच में जीरो भी तो आ गया, तो इसका मतलब कोई भी चीज इसमें रिपीट नहीं कर रही है। इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया था मैंने वो ऐसे लिया था, मान लो 2.30303030 बच्चों, इसमें देखोगे कि तो इसमें 30 रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, 30 रिपीट कर रहा है। क्या कोई चीज बढ़ रही है इसमें? नहीं बढ़ रही, एक ही जीरो आ रहा है बार बार में, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, यहाँ पे एक तीन, एक तीन, एक तीन, एक तीन, पर लेकिन इस वाले केस में यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे तीन जीरो, यहाँ पे चार जीरो और फिर डॉट 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 लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें क्या है, नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रही है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और भी एग्जांपल होते हैं इररेशनल नंबर के, वो क्या क्या होते हैं देखो एक बार। अगर मान लो मैंने लिया 2.01001000 और लगा दिया ये वन, यहाँ पे डॉट 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 ये कर दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या रिपीट कर रहा है, इसमें देखो 01001000, तो एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है तो बच्चों क्या होगा, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, कोई चीज रिपीट तो कर नहीं रही है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 वो तो सबसे पहले आपको देखना है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये हो जाएंगे आपके रेशनल और इरेशनल नंबर। एक और केस बच्चा है रूट वाला, कभी कभी क्वेश्चन आता है रूट पे, तो रूट वाला कैसे होता है वो देख लो एक बार। अगर मान लो रूट में 8 लिखा हुआ है ना बच्चों, तो रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे मान लो 7 है, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रेशनल हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या होगा, इरेशनल। 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा आपका, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब मान लो रूट 4 लिया, तो रूट 4, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, इसलिए क्या बन जाएगा आपका, रेशनल नंबर, ठीक है। मान लो रूट 27, 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 3 का क्यूब होता है पर लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर। मान लो रूट 16 लिया, ये 16 क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका, रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये दो टाइप के फॉर्मेट आती है, एक तो डेसिमल फॉर्म में, एक ही रूट वाली फॉर्मेट में, तो इस टाइप के दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो उसमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पे कमेंट्स कर देना तो एक बार कैसा वीडियो लगा है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, तो लाइक बटन दबा देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती है।